कुछ प्रतिस्थापन के माध्यम से अन्य फलनों का हमें अवकलन करना है। तो हल्का सवाल है, कॉस इनवर्स अंड पोस्ट में 1 - x² बटे के 1 - x². हम सबसे पहले दिए गए फलन को y मान लिए, कॉस इनवर्स 1 - x² बटे के 1 - x². हम ऐसा x के जगह पर पुट करें रखें कि देख रहे हैं कि बाहर कास का पद है तो भीतर भी कासे का रूप आए, जब बाहर कास इनवर्स तो भीतर कासी आ जाना चाहिए। तो हम x बराबर मान लिए tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 - tan inverse x। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 1 - x का वर्ग, तो 1 - x यानी tan का वर्ग, फिर 1 - x का वर्ग, इस बराबर है tan, तो tan² थीटा। ये y बराबर हो गया cos इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे के 1 - tan² थीटा होता है cos² थीटा। तो लिख देंगे y बराबर cos इनवर्स cos² थीटा यानी 2 थीटा, थीटा बराबर है tan² तो y बराबर 2 tan². अब हम यहाँ से सरलता से अवकलन कर सकते हैं, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को लिखेंगे dy/dx, ये हो गया 2 tan inverse x, लिख देंगे 1/(1)x² यानी 2 - 2/(1)x² जिसका हम सरलता से अवकलन कर लिए। अब देखेंगे इसके लिए ये दूसरा कैसे करेंगे। दूसरा का सवाल है sin inverse 2x/(1)x², मान लीजिए किसके बराबर, y के बराबर। अब हम x के जगह पर क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करें या आप लोग सोचिए। माना कि x बराबर क्या रखेंगे, ऐसा रखिए कि बाहर साइन का पद है भीतर भी साइन के रूप में आ जाए। x बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan inverse x, तो y बराबर sin inverse 2x(tan θ) बटे के 1 - x², तो 1 - tan²θ। y बराबर साइन इनवर्स 2 tan θ बटे के 1 - tan²θ, आप लोग जानते हैं क्या होता है, sin²θ। तो साइन इनवर्स sin²θ लिख देंगे 2θ, थीटा के प्रकार रख देंगे tan inverse x, तो y बराबर tan inverse x। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, ये जो दो है दो हो गए यहाँ पे, 2 tan inverse की जगह पर लिखेंगे 1/(1)x² 2 1/(1)x². हम देख सकते हैं कि इसका भी अवकलन सरलता से कर लिए।